हाई कोर्ट ने अकबर नगर में ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक फिलहाल लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और एलडीए से कहा है कि पहले अकबर नगर के लोगों को पुनर्वास योजना में आवेदन के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाए। लोग जब नए भवनों में चले जाएं उसके बाद ही उनके मकान एलडीए अपने कब्जे में ले सकता है। एलडीए के प्रवर्तन दस्ते ने गुरुवार को यहाँ पर सुबह 10 बजे से ही इमारतें तोड़नी शुरू कर दी थी, लेकिन करीब 3 बजे कोर्ट का आदेश आते ही बुलडोजर पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने अपने आदेश में कार्रवाई को लेकर अधिकारियों की जल्दबाजी पर भी सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट से स्टे मिलने के बाद स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। सीनियर अधिवक्ता जेएन माथुर ने कोर्ट में बहस की। थोड़ा अपनी मनमानी की, सरकार का मनसा साफ था कि अकबर नगर को गिरा दिया जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का हम अकबर नगर वासी और सारी जनता तहे दिल से स्वागत करती है। जिन्होंने आज हमारे पक्ष में आदेश देकर हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, हम लोगों का दिल जीता, हम लोगों का आदेश दे दिया गया है कि तुरंत जो ये मनमानी कर रहे हैं इसको हटाया जाए। अब 22 जनवरी हमारी हेयरिंग की डेट होगी, 22 जनवरी में हम फिर बहस करेंगे।